गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शंस देन सोरियसिस। सोरियसिस एक सिल्वर लाइक स्कार होता है स्किन के ऊपर, जिसको सोरियसिस कहते हैं। द वर्ड सोरियसिस इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सोरा मीन्स इचिंग, यानी जो सोरियस शब्द को ग्रीक वर्ड सोरा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंचिंग। पर सोरियसिस में अधिकांश जो पेशेंट होते हैं उनमें जो इचिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत कम होती है। सोरियसिस इज ए नॉन इन्फेक्शंस इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द स्किन इन विच एपिडर्मल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट ए रेट दिस अबाउट 6 to 9 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल। जो एपिडर्मिस की जो ये एक सोरियसिस इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिसके अंदर स्किन्स में एपिडर्मिस सेल्स प्रोड्यूस एट ए रेट, यानी जो एपिडर्मिस सेल्स है वह एक तेजी के साथ में उत्पन्न होती है, जो सामान्य के लगभग 6 गुना यानी 6 गुना तेज होती है। द सेल्स इन द बेसल लेयर्स ऑफ द स्किन डिवाइड टू क्यूकली, वो सेल्स जो बेसल लेयर्स को स्किन में डिवाइड करती है, एंड द न्यूली फॉर्म सेल्स मूव सो रिपीडली, और जो न्यू सेल्स बनती है वे मूव रिपीडली टू स्किन सरफेस दैट बिकम एविडेंट एज स्कार्स और प्लेक्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, और वह एपिडर्मल टिश्यू पे एक प्लेक और स्कार्स के रूप में दिखाई देती है, सिल्वर स्कार्स जिसको बोलते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में सीन है। नेक्स्ट, द सोरियटिक एपिडर्मल सेल्स मे ट्रेवल फ्रॉम द बेसल सेल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस टू द स्टेटम कॉर्नियम, यानी एग्जाम्पल के लिए स्किन सरफेस, जो स्टेटम कॉर्नियम का स्किन सरफेस, एंड विद द 3 to 4 days विच इन द शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द नॉर्मल 26 to 28। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी पहला है आइडियोपैथिक कॉज, यानी किसी अज्ञात कारण से उत्पन्न होने वाली जो डिजीज है, ऑफ रिलेटिंग टू डिजिग्नेटिंग डिजीज और कंडीशन हैविंग नो नाउन कॉज, यानी किसी का कॉज नहीं होता, वो आइडियोपैथिक कॉज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ द फैक्टर्स दैट ट्रिगर सोरियसिस आर, पहला है उसमें जेनेटिक, दूसरा ऑटोइम्यून रिएक्शंस, थर्ड इज इन्फेक्शंस, नेक्स्ट इज इंजुरी टू स्किन्स, नेक्स्ट है चेंज इन क्लाइमेट, नेक्स्ट है मेडिकेशंस, इसमें लिथियम्स, एंटी मलेरियल मेडिकेशंस, प्रोपोफिनोल एंड इंडोमेथासिन, नेक्स्ट है स्ट्रेस, ओबेसिटी एंड स्मोकिंग्स। तो ये जो एटियोलॉजी थी वो कारण थी कि सिरोसिस, जिनके कारण से ये डिजीज हो सकती है, जिसमें पहला है आइडियोपैथिक कोज, दूसरा सम ट्रिगर सिरोसिस आर, जिसमें जेनेटिक है, ऑटोइम्यून्स है, इन्फेक्शंस है, इंजरी टू स्किन्स है, एंड चेंज द क्लाइमेट, मेडिकेशंस में लिथियम, एंटी मलेरियल मेडिकेशंस, प्रोप्रो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सोरियसिस। जो इटियोलॉजी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सच एज स्ट्रेस, जेनेटिक, ऑटोइम्यून्स एंड मेडिकेशंस कोज, इनके इफेक्ट से जो स्किन पे स्कार बनता है सेलर लाइक, जिसके कारण से जो हाइपर रिएक्टिव टी सेल्स होती है, जो कि एपिडर्मिस फिल्ट्रेशन एंड केराटोनोसाइट्स प्रोलिफिकेशन के कारण जो डेरिवेटेड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू होता है, और वे लार्ज प्रोडक्शन करते हैं वेरियस साइटोकाइनेस के, जिससे जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती है अपनी वो डायलेट होके और वैस्कुलर इनगोरमेंट होता है। फिर क्या करता है कि एपिडर्मिल जो हाइपरप्लेशिया एंड इम्प्रॉपर सेल मैचुरेशन की प्रक्रिया चालू होती है, और जो जो एडिक्वेट लिपिड्स हैं, जो आवश्यक लिपिड्स हैं, वे फ्लैंकिंग, स्केलिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द सोरियसिस लीजन्स के रूप में। अब हैं टाइप्स ऑफ सिरोसिस, क्रॉनिक प्लेग, गुटेट, फ्लेक्सर, लिथ्रोडर्मिक, पोस्टुलर, लोकल फॉर्म्स। तो पहला है क्रॉनिक प्लेग। क्रॉनिक प्लेग होते हैं जो सिरोसिस का सबसे आम रूप होता है ये, और यह है लगभग 80 से 90% लोगों को ये प्लेग, मतलब
जो है क्रोनिक प्लेक पाया जाता है। इसमें त्वचा की जो है उस पर एक मोटी लाल परत सिल्वर लाइक एक परत होती है के साथ अगर इसको स्क्रबिंग करते हैं तो ये और तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट है गुटेट। गुटेट में क्या होता है कि ये सिरोसिस एक ड्रॉप के समान होते हैं, दाने के समान होते हैं। ये लगभग 100 में से 8% लोगों को ही प्रभावित करते हैं और ये ज़्यादातर प्यूबर्टी एज में पाए जाते हैं, जो ये कभी भी फेस पे नहीं होते। ये फेस के निचले जो एरियाज है जो है उन पे ये होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सुरल। ये क्या होता है, इस प्रकार में क्या होता है कि जो रेड स्पॉट्स है वो काफ़ी चमकदार होते हैं और ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, ना कि एक जगह। और इस ये ज़्यादातर स्तनों के नीचे और जांघ के एरियाज है वहाँ ज़्यादातर ये सिरोसिस फ्लेक्सर सिरोसिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इरिथ्रोडर्मिक। इरिथ्रोडर्मिक ये भी एक सिरोसिस का काफ़ी गंभीर पार्ट है, टाइप्स है, जिसमें क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें एक व्यापक और लाल स्पॉट्स काफ़ी व्यापक लाल स्पॉट होते हैं जो पपड़ी के समान होते हैं। शरीर के कई बड़े बड़े हिस्सों को ये डिजीज यानी टाइप्स ऑफ सिरोसिस इरिथ्रोडर्मिक कवर करता है, जिसके कारण से हमें हॉस्पिटलाइज जरूरत पड़ती है इसका एक व्यापक रूप लेने पर। नेक्स्ट है पोचुलर। पोचुलर में क्या होता है, ये भी एक सिरोसिस का ही रूप है, गंभीर रूप है। ये भी त्वचा में इसमें क्या होता है कि वाइट स्पॉट होते हैं जो एक दूसरे पोचुलर के द्वारा जुड़ते हैं और बॉडी के काफ़ी स्किन्स को या बॉडी पार्ट को काफ़ी इन्फेक्टेड करते हैं और फैलते हैं जुड़ जुड़ के, और साथ में उन पोषित जुड़ने के साथ में ये स्किनिंग बना सकते हैं यानी फैल सकते हैं और ज़्यादा। नेक्स्ट है लोकल फॉर्म्स। लोकल फॉर्म्स में जैसे कि पाल्स हो गए, नेल हो गए, एथ्रोडिक्स में हो गए या पाल्सोमेंटर हो गए। इसमें जब ज़्यादातर ये जो लोकल सिरोसिस है वो स्काल्प वाले या नेल है एंड पाल्मो प्लेंटर इनमें पाए जाते हैं। अब लेते हैं पहले क्रोनिक प्लेक सिरोसिस, जैसे कि आपको डायग्राम में जो है कि ये ज़्यादातर नी जॉइंट्स वगैरह पे होते हैं। तो पहला है मोस्ट कॉमनली ये 85 लोगों को फीचर पिंक वेल डिफाइंड प्लेक विद सिल्वरी स्कॉल लीजन में भी सिंगल न्यूमरस प्लेक्स में भी इन्वॉल्व लार्ज एरियाज ऑफ स्किन्स क्लासीफाई इफेक्ट एल्बो नी बुटक्स एंड स्पॉट। ये है क्रोनिक प्लेक सिरोसिस का डायग्राम, यानी नी हो गया, ये एल्बोज हो गए। क्रोनिक प्लेक सिरोसिस जो बॉडी के निचले पार्ट यानी इन बुटक्स एरिया के साइड्स एंड नी जॉइंट्स, ये क्रोनिक प्लेग में जो फ्लेक्चर सिरोसिस है उसका डायग्राम है, जो ज़्यादातर स्तन के नीचे एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुटेट। न्यूमेरिस एंड स्मॉल लीजन 1 सेंटीमीटर डेड पिंक एंड लेस स्काल देन प्लेग सिरोसिस कॉमनली फाउंडेड ट्रंक ऑक्सीमिलिम टोपोलिस इन इंडिविजुअल 30 years often precedented by upper respiratory streptococcal infections. Next है flexure cirrhosis. Lesion in skin fold articular groin gluteal cleft axillary and sub mammary regions. Often minimum absent swelling may cause diagnostic difficulty when genital or parental region is affected in isolations. Erythrodermic cirrhosis. Erythrodermic generalized erythema covering entire skin surface में इन्वॉल्व स्लोवली क्रॉनिक प्लेग सिरोसिस अपीयर करोटिव, ये भी सिरोसिस को धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लेता है फिनोमिनन। पेशेंट में भी बिकम फाइब्रल हाइपरडर्मिक एंड डिहाइड्रेट कॉम्प्लिकेशन इन कार्डिक फेलियर इन्फेक्शन, क्योंकि ये काफ़ी सीवियर यानी गंभीर एक सिरोसिस का पार्ट है जिसमें हॉस्पिटल जरूरत भी पड़ सकती है, जिसमें कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है एंड इन्फेक्शन मेला एंड अनीमिया डिटेशनली अनकॉमन। नेक्स्ट है पोस्टुरल सिरोसिस। इसमें 2 फॉर्म्स होती है, एक तो लोकलाइज मोर कॉमन प्रेजेंट डीप स्कार लीजन्स मल्टीपल स्मॉल पोस्टुरल्स यानी वाइट स्पॉट्स होते हैं जो एक दूसरे से पोस्टुरल्स बना के स्कैनिंग करते हैं एंड सॉल्स, ये पाम सॉल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। जनरलाइज फॉर्म्स क्या होती है, अनकॉमन आइसोलेट विद फीवर वाइड स्प्रेड पोस्टुरल्स क्रॉस द बॉडी इन्फ्लेम्ड बॉडी सरफेस। पाल्मोनरी सिरोसिस यानी पाम में जो पाए जाते हैं कैन बी हाइपर केराटोनिक एंड पोस्चुरल में मिमिक डर्मेटाइटिस लुक फॉर सिरोटिक मैनिफेस्टेशन एज वेयर टू एड डायग्नोस पॉसिबली एग्रीवेट बाय ट्रोमा। जो स्काल्प सिरोसिस है यानी ये भी एक इन्फेक्टेड है जो बाल को झंडों के साथ में जो फैलता है, ये भी एक
सिरोसिस के प्रकार है जो संक्रमण को काफ़ी फैलता है, जिसमें ज़्यादातर ये स्कैल्प सिरोसिस में क्या होता है, वेरियस फ्रॉम माइनर स्केलिंग विद इरिथमा टू थिक हाइपरकेरोटिक प्लेग में एक्सटेंड बियॉन्ड हेयरलाइन, पेशेंट स्केलिंग में प्रोड्यूस एस्टमिट प्लेग, नैन सिरोसिस में भी प्रजेंट, ये लोकल जो सिरोसिस है में भी प्रजेंट पेशेंट्स विद एनी टाइप ऑफ सिरोसिस कैन टेक सीवियर फॉर्म पिटिंग डिस्क्रीट वेल सर्कुमट्राइज डिप्रेशन और नेल सरफेस। दूसरा सब लिंगुअल हाइपरकेरोटोसिस सिल्वरी वाइट क्रेस्टिंग अंडर थ्री एड्स फॉर नेल विद सम थिकिंग ऑफ नेल प्लेट। नेक्स्ट ओनिकुलोसाइस जिसमें होता है नेल सेपरेट्स फ्रॉम नेल बेड एट थ्री एड्स। नेक्स्ट है ऑयल ड्रॉप साइन पिंक रेड कलर चेंज और नेल सरफेस नेल सिरोसिस। अब है सोरेटिक अर्थराइटिस, ये भी सोरेसिस का एक काफ़ी सीवियर और काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है जो लगभग 30 से 33 लोगों को भी इफेक्टेड करती है, क्योंकि ये एक ऑटोमिन बीमारी होती है जिसमें जो जोड़ों को काफ़ी इफेक्टेड करती है, जोड़ों को प्रभावित कर सकता है, यह अक्सर हाथों के काफ़ी गंभीर माना जाता है। एफोसमेट 5 to 20% हैव एसोसिएट अर्थराइटिस। 5 मेजर पैटर्न्स टू सोरेटिक अर्थराइटिस, डाइस्टल इंटरफेलेंजियल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट है सिंबल मेटेरियल पोली अर्थराइटिस। नेक्स्ट सोरेटिक स्पॉन्डी लेथ्रोपैथी। नेक्स्ट है अर्थराइटिस मेटिलेंस। नेक्स्ट है ओलिगोगोटिकुलर असिमेट्रियल अर्थराइटिस, क्लिनिकल एक्सप्रेशन ऑफन ओवरलैप। तो दिस इज कंप्लीट टाइप्स ऑफ सिरोसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सिरोसिस। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, उसमें पहला है इनिशियली द फर्स्ट साइन ऑफ सिरोसिस ऑफ्टन रेड स्पॉट्स ऑन द बॉडी, सेकंड ड्राई स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड पैचेस, थर्ड पैचेस कवर्ड विद सिल्वर वाइट फ्लेक्स, राइट एंड थिक स्किन। अदर सिम्टम ऑफ सिरोसिस इंक्लूड पेन, इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशंस, रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मोशन और पेन, क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग स्किन, डैंड्रफ ऑफ स्कैल्प, पस फिल्ड बॉलिस्टर, जेनिटल लीजन्स इन मेल्स। नेक्स्ट पीटिंग स्मॉल डिप्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द नेल, येलो डिसकलर नेल अर्थराइटिस। नेक्स्ट इसमें सेकेंड द लीजन्स आर मोस्ट एविडेंट ओवर द स्कैल्प, द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द एल्बोज एंड नीज एंड लोअर पार्ट ऑफ द बैक एंड ग्लूटेलियल। बायलेटरल सिमेट्री इज ए फीचर ऑफ सिरोसिस। नेक्स्ट है इन अप्रोक्सीमेटली 1/4 to 1/2 पेशेंट द नेल्स आर इन्वॉल्व, वाइट पीटिंग, डिस्कलरेशन, क्रबलिंग बीनीथ द फ्री एड्स एंड सेपरेशन ऑफ द नेल्स प्लेट। वैन सिरोसिस अकर्स द पाल्म्स एंड सोल्स, इट कैन कॉज पोस्चर लीजन्स कॉल्ड पाल्मर पुचर सिरोसिस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सिरोसिस लीजन्स दिस इज डायग्राम, टेस्ट इज स्कैल्प्स, एल्बोज, ग्लूटियल डेप्थ, एम्ब्लेकस, नेल्स, नीज, जेनिटल्स, ईयर्स एंड टू नेल्स। एंड नेक्स्ट इज डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन, पहला है कलेक्ट हिस्ट्री, जो पेशेंट की कलेक्ट हिस्ट्री करते हैं इसमें, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन फिर करते हैं। नेक्स्ट है स्किन बायोप्सी अंडर लोकल एनेस्थेसिया, यानी लोकल करके स्किन बायोप्सी भी ले सकते हैं कुछ सीवियर कंडीशन के अंदर। फिर है ब्लड एंड रेडियोग्राफी टेस्ट विद डन रूल आउट सिरोटिक अर्थराइटिस या सर सी रिएक्टिव प्रोटीन, यानी जो सिरोटिक अर्थराइटिस है उसमें हम जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसकी भी जांच करते हैं, या सर करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे सिरोटिक को, एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या गोल है। पहला है टू स्लो द रैपिड टर्नओवर ऑफ एपिडर्मिस, हमें जो एपिडर्मिस की जो टर्नओवर है उसको हम स्लो करना पड़ेगा। टू प्रमोट रिसोल्यूशन ऑफ सिरोटिक लीजन्स, हमें जो सोल्यूशन है उसको हम सिरोटिक लीजन्स के उसको हमें प्रमोट करने पड़ेंगे। टू कंट्रोल नेचुरल साइकिल्स, जो साइकिल्स है जो सिरोसिस का ऑफ द डिजीज उसको हमें कंट्रोल पड़ेगा। देयर इज नाउ केयर, फर्स्ट है अवॉइड एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रेसिव फैक्टर्स, दूसरा है एन असेसमेंट नेट लाइफ स्टाइल बिकॉज सिरोसिस इज सिग्निफिकेंट अफेक्टेड बाई स्ट्रेस,
सेकंड, द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मॉडिफाई इंक्लूड, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि किसी किसी कंडीशन में हमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो उसमें पहला आता है टॉपिकल थेरेपी, दूसरा होता है इंट्रालीजनल थेरेपी, थर्ड होता है सिस्टमेटिक थेरेपी और नेक्स्ट है फोटोथेरेपी। तो पहला है टॉपिकल थेरेपी। टॉपिकल थेरेपी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सिरोसिस ट्रीटमेंट इज जेंटल रिमूवल ऑफ स्कॉल्स। पहले हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि स्कॉल्स को रिमूव करेंगे, दे कैन एक्युमुलेशन विद बाथ, नहाने के साथ। इसमें क्या करेंगे, ऑयल एग्जांपल ऑलिव या मिनरल ऑयल एंड कोल टार प्रिपरेशन एग्जांपल वाल्टेनियर कैन बी एडेड टू बाथ वाटर, जो पानी के साथ में तैयार करके एंड सॉफ्ट ब्रश लेके यूज टू स्क्रब द सिरोटिक प्लेक जेंटली, और हमें जो सिरोटिक प्लेक्स है उसको जेंटली रिमूव करने हैं। नेक्स्ट है आफ्टर बाथिंग द एप्लीकेशन ऑफ इमोलेंट क्रीम कंटेनिंग एप्रोक्सीमेट एसिड लेक्सन हाइड्रीन या पेनीड्रम या सोलिसिलिक एसिड विद द कंटेंट टू ऑप्टन थिक स्केल्स, अगर ज़्यादा मोटे स्केल्स हैं तो उनको हमें नहाने के जो बाद में एक इमोनेट क्रीम्स होती है जिसमें एग्जांपल के लिए हाइड्रीन या पेनीड्रम है, उनको हमें लगा के कंटिन्यू सॉफ्ट स्किन स्काल लगा के होना चाहिए। नेक्स्ट है कोर ऑफ द प्रिपरेशन और फोटोसिंथेटिक एजेंट्स पेशेंट शुड बी वार्म नॉट टू एक्सपोज ट्रीटेड स्किन टू द सन, हमें जो सन की लाइट से उन पर काफ़ी बचना चाहिए। अप्लाई तार शैम्पू स्टोरेड लोशन डेली फॉर स्काल्प लीजन्स, और स्काल्प लीजन में हमें जो शैम्पू है स्टोरेड लोशन है उन्हें डेली अप्लाई करना चाहिए। अब ओकुलिसियम ड्रेसिंग, कोई कोई जो सीवरेज कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें ड्रेसिंग की भी जरूरत पड़ती है, यानी एक्सोडर्मिक जो सिरोसिस है ये काफ़ी गंभीर रूप में आते हैं, उनमें यूज द प्लास्टिक रैप बैग्स नैपकिन ड्रेसिंग्स एंड यूज रबर ग्लव्स टू क्लाइंट हैंड्स प्लास्टिक बैग्स ऑफ फीट एंड ए शोवर कैप दैट हैड इफ इफेक्टेड। नेक्स्ट है अंथरीन प्रिपरेशन, यानी अंथराड्रम एरिथ्रो क्रीम का लेसन जो तैयार किया था फॉर थिक सिरोटिक प्लेक्स होते हैं रेसिस्टेंट अदर कोल तार एंड स्टोरेड प्रिपरेशन, ये जो कोल तार है उसको स्टोरेड और प्रिपरेशन को मिला के तैयार किया जाता है। अब है टॉपिकल कोर्टिस्टेरॉइड्स, टॉपिकल कोर्टिस्टेरॉइड्स में यूज फॉर शॉर्ट पीरियड्स बिकॉज देयर साइड इफेक्ट, ये शॉर्ट पीरियड में यूज किए जाते हैं तो देर ए साइड इफेक्ट। दूसरा सेकंड है इंट्रानीजल थेरेपी, इसमें क्या करते हैं इंजेक्शन इन टू हाईली विजिबल आइसोलेट पैचेस सिरोटिक दैट आर रेसिस्टेंट, जो हाईलाइटेड रीजन्स दिख रहे हैं उन पे सीधा इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं इंजेक्ट, थ्राइमोसिलोलोन एसीटोन इज इंजेक्टेड, ये इंजेक्शन होता है जिसको हम सारे जो लीजन्स है जो पैच दिख रहे हैं उन पे इंजेक्ट करते हैं। इन केयर ऑफ टेकन द नॉर्मल स्किन इज नॉट इंजेक्टेड, और नॉर्मल स्किन में ये नहीं इंजेक्ट कर सकते। अब है सिस्टमेटिक थेरेपी, सिस्टमेटिक थेरेपी में जिसमें अननोन कॉज होते हैं हैव बीन यूज्ड ट्रीटिंग एक्सटेंडिंग सिरोटिक फेल्स टू रिस्पॉन्ड फॉर्म थेरेपी, इट इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस एपिडर्मल सेल्स दस रिड्यूसिंग द एपिडर्मोसिस, जो मेथॉक्सिलोटा है वो जो डीएनए सिंथेसिस है एपिडर्मिस को सेल्स और थस रिड्यूसिंग द एपिडर्मोसिस, उसको एपिडर्मिस को रिड्यूसिंग करता है सिंथेसिस को डीएनए जो कि एपिडर्मिस लेयर में करता है। शुड मॉनिटर हेपेटिक हेमेटोलॉजिक एंड रीलेंट सिम्टम रेनफोर्स वुमेन चाइल्ड बीरिंग एज टू रिट्यूनोइड एंड मेथॉक्सिलेट आर टेट्राजेनिक वुमेन मस्ट बी यूजिंग बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट है इसी में और रेटिनोनॉइड्स सिंथेटिक डाइवेशन एंड विटामिन ए एंड इट्स मेटाबॉलिक विटामिन ए एसिड्स, और रेटिनोइड्स में हम विटामिन ए की जो कोई टेबलेट्स होती है वो देते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिया हाइड्रोक्सीरिया यानी हाइड्रिया मोनिटर साइन एंड सिम्टम एंड बोनमोर डिप्रेशन। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए। अब फोटो कीमोथेरेपी ए ट्रीटमेंट सीवियरली डिब्रेटिंग सिरोसिटिक इज स्रोलन एंड अल्ट्रावायलेट ए यानी PUVA थेरेपी, इसमें क्या होता है कि ये UVA इज को ही PUVA कहते हैं, ये कॉम्बिनेस UVA लाइट विद ओरल सोरेलेंट्स ऑफ टॉपिकल ट्राइपोसोरेलिन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सोरेलेंट्स होते हैं वो इज एक फोटोसिंथेसिस एजेंट्स होते हैं जो कि DNA इन UVA के द्वारा जो टेम्परेरी इनहिबिट DNA सिंथेसिस किया जाता है UVA यानी PUVA कॉम्बाइंड थेरेपी के द्वारा DNA का जो टेम्परेरी इनहिबिट DNA सिंथेसिस किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए ट्रीटमेंट इज सीवियरली
डिब्रेटिंग सोरोलिन ए अल्ट्रावोलेट पी ओ थेरेपी इज इन्वॉल्व टेकिंग ए फोटोसिंथेसिस ड्रग यूजली 8-methoxsalen इज ए स्टैंडर्ड डोज विद सबक्यूट एक्सपोजर ए लॉन्ग वेव अल्ट्रावोलेट लाइट पिक ड्रग प्लाज्मा लेवल्स आर ऑप्टेंड यू ए बी लाइज ए यूज टू ट्रीट जनरलाइज्ड प्लेग क्योंकि यू ए बी जो होती है शॉर्टनेस वेवलेंथ होती है इस कारण से इसको जनरलाइज्ड प्लेग में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोस। पहला इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू लीजन्स एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एज एविडेंस बाय इचिंग ऑल ओवर बॉडी। सेकेंड डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू इम्ब्रेसमेंट ओवर अपीयरेंस एंड सेल्फ परसेप्शन ऑफ अनक्लीननेस। नेक्स्ट है डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट द डिजीज प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। इन्फेक्शन फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। नेक्स्ट लो सेल्फ इस्टीम डिप्रेशन स्ट्रेस मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंक्रीज ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड शुगर एक्सेस बॉडी फैट अराउंड द वेस्ट एंड एब्डोमिनल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन जॉइंट डैमेज। थैंक यू।